Okay, so students, we started about the concept of acid and base. हमने basic concept जो था वो पढ़ चुके हैं कि acids have a sour taste और bases का एक bitter taste होता है. Acids जो है blue litmus को red कर देते हैं, लेकिन bases जो है वो red litmus को blue कर देते हैं. ठीक है, और दोनों में एक similarity थी कि दोनों के जो aqueous solutions है ना, यानी कि water के साथ जब reaction करवाते हैं तो दोनों के जो aqueous solutions हैं वो क्या करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. ये 7th चैप्टर में भी आप लोग पढ़ के आए हुए हैं इन क्लास 9th. सो व्हाट वी आर गोइंग टू टुडे, ओके स्टूडेंट्स, कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन क्लियर है जी बच्चों? यस सर. ओके ओके, सम स्टूडेंट्स आर अनेबल टू सी द स्क्रीन. आई विल शेयर इट अगेन फॉर यू सो दैट यू माइट बी एबल टू सी द स्क्रीन प्रॉपरली. I hope now it is visible to all. जी अब जरा बताइएगा. शाबाश. Okay, perfect. So students, हमने इनकी basic properties के ऊपर गुफ्तगू की थी और इसके बाद हमने acids की history के ऊपर बात करते हैं कि what is the definition of acid. इसके इससे पहले कि acids हैं क्या, आज हम इनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे. आरहीनियस का कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट है, फिर इसके बाद जो है आपका ल्यूविस का कॉन्सेप्ट है. वो एसिड के बारे में क्या कहते हैं, क्या हुआ कि इनकी थ्योरीज जो थी वो फेल हो गई, क्या हुआ कि इनकी थ्योरीज को मॉडिफाई किया गया. देखिए थ्योरीज नेवर फेल्ड, ठीक है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, थ्योरीज आर नेवर फेल्ड, थ्योरी के ऊपर थ्योरी जो है मॉडिफाई होकर आती है. ठीक है, तो आरहीनियस का कॉन्सेप्ट क्या था, आज हम उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे एसिड के रेफरेंस से. देन उसके बाद जो था ब्रॉन्स्टेड लॉरी का क्या कॉन्सेप्ट था एसिड के बारे में, वो क्या सोचता था कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द बेसिक फ्रेमवर्क बिहाइंड द आइडिया ऑफ द एसिड. देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी द आइडिया ऑफ जो है लुईस का, जो फाइनली आज जो हम यूज करते हैं. तीनों के कॉन्सेप्ट्स मुख्तलिफ हैं, तो जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे कंफ्यूजन होता है चैट बॉक्स में यू कैन पुट अप योर आंसर्स. So first of all, let's start with the Arrhenius concept of acid and base. Arrhenius का जो है concept acid base का, वो क्या कहता है उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं. Arrhenius का जो concept है बेटा, let's start regarding the Arrhenius concept of acid and base. According to Arrhenius concept, ये पेश किया गया 1787 के अंदर. Acid is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ions. अब acid क्या है, acid वो substance है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होके, डिसोसिएट का मतलब ब्रेक हो जाना, डिसोसिएट का मतलब टूट जाना, डिसोसिएट का मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाना, डिसोसिएट का मतलब अलैदा हो जाना. तो एसिड वो सब्सटेंस है आरहीनियस के मुताबिक कि जो ब्रेक हो जाता है अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और कौन सी आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है एसिड. कौन सी आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में. ये टर्म याद रखना है, ऐसे नहीं बोलते ना कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोजन आयंस. वेयर, इन स्कूल? नो, बट इन द एक्वस सॉल्यूशन. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन कि एसिड इज अ सब्सटेंस जो कि डिसोसिएट होता है, ब्रेक हो जाता है इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन टू गिव व्हाट आयन, हाइड्रोजन आयंस. और जनरली आप देखें जरा, आपके पास बुक्स भी होंगी, तो HA कोई भी एसिड है, और ये देखें ये अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन दे रहा है और ए नेगेटिव आयन दे रहा है, यानी कि ये डिसइंटीग्रेट हो गया है, डिसोसिएट हो गया है, टूट गया है, अलैदा हो गया है, सेपरेट हो गया. ठीक है, तो आरहीनियस कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन देती है. ठीक है, अब जैसे HCl की एग्जांपल लें, HCl जब ब्रेक होगा तो H पॉजिटिव अलैदा हो जाएगा, Cl अलैदा हो जाएगा, HNO3 में H अलैदा हो जाएगा, NO3 अलैदा हो जाएगा. ठीक है, ये एस्टिक एसिड या एथेनोइक एसिड जो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी डबल ओ एच है, इसमें एच पॉजिटिव अलैदा हो गया और सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव अलैदा हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे एसिड्स हैं. क्यों? क्योंकि ये अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एच पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं. सो दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू आरहीनियस, आरहीनियस के मुताबिक हम इसको कहते हैं कि दिस इज एन एसिड विच इज डिसोसिएटिंग एंड गिविंग एच पॉजिटिव आयंस या हाइड्रोजन आयंस. तो फिर सवाल ये आता है कि आरहीनियस का क्या कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग बेसिस. वो भी बड़ा सिंपल है, बेस के बारे में आरहीनियस आप कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस.
यानी कि हाइड्रोक्साइड होता है OH आयन को कहते हैं, OH नेगेटिव आयन को कहते हैं। ये देखें जरा स्क्रीन की तरफ देखें, पेज नंबर 22 के ऊपर, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये बेस और OH है। तो बेस वो चीज है, ऐसी सब्सटेंस जो डिसोसिएट हो जाए अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और क्या दे दे, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड होता है ये, OH आयन को कहते हैं, दिस इज अ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड OH आयन। ओके, अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड अ बेस। तो फिर एसिड क्या हुआ, अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव H पॉजिटिव या हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एन एसिड। और बेस क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन जब देती है कोई भी सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन। दो बातें हैं सब्सटेंस, इसमें टर्मिनोलॉजीज जो सीखने से ताल्लुक रखती हैं, सब्सटेंस एंड एक्वस सॉल्यूशन, ये दोनों में सेम है, एसिड में भी और बेस में भी, अरहेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो अरहेनियस के मुताबिक एसिड क्या, सब्सटेंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन गिविंग H पॉजिटिव आयन। चले फिर बेस क्या है, सब्सटेंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन गिविंग हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन। यहां तक क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर रिपीट कर दे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटे। अरहेनियस जो था ना 1787 में, पहला कॉन्सेप्ट अरहेनियस ने दिया एसिड बेस का। उसने कहा कोई भी सब्सटेंस, पहली बात क्या थी, कोई भी सब्सटेंस, दूसरी बात जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, अब यहां पे एसिड का कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन दे, हाइड्रोजन आयन दे डिसोसिएट होने के बाद, उसको कहते हैं एसिड। तो फिर बेस क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड यानी कि OH नेगेटिव आयन दे, उसको हम कहते हैं क्या, बेस। अब समझ आया बेटे? जी सर। जी, शाबाश। एसिड, अब ये ब्लू में जरा देखें स्क्रीन के ऊपर, एसिड गिव्स H पॉजिटिव आयन्स इन वाटर, बेस गिव्स OH नेगेटिव आयन्स इन वाटर। ये तो बड़ा इजी हो गया हमें, हमने थ्योरी पढ़ ली, कभी भी अब पेपर में आए कि एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन देता है, बेस जो है OH नेगेटिव आयन देते हैं, ये थ्योरी किसने पेश की, सर अब्राहम ने पेश की? ना 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 ना, ये थ्योरी पेश की अरहेनियस ने, दिस कॉन्सेप्ट इज अकॉर्डिंग टू अरहेनियस। ओके, अब जरा अरहेनियस के मुताबिक ये भी जरा एग्जांपल्स देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H लैदा हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड में फिर H पॉजिटिव लैदा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में फिर H पॉजिटिव लैदा हो जाएगा, और फॉस्फोरिक एसिड में अगेन H पॉजिटिव लैदा होके अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस बना देंगे, और इसको हम कहेंगे एसिड। जबकि बेस जो है, ये देखिए ये OH नेगेटिव आयन, ये भी OH, ये भी OH और ये भी OH अलहदा हो जाएंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये अलहदा अलहदा हो जाएंगे, और जब ये अलहदा अलहदा हो जाएंगे तो H पॉजिटिव अलहदा हो गया, OH नेगेटिव अलहदा हो गया, H पॉजिटिव को अरहेनियस ने एसिड कह दिया, OH नेगेटिव को अरहेनियस ने बेस कह दिया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अरहेनियस। लेकिन इसकी भी कुछ मसाइल थे, इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे अरहेनियस ने। अभी हमने देखा कि एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट, पहला दो बातें क्या की थी, इज अ सब्सटेंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब एक्वा से निकला है, एक्वा पानी से, पानी का तो अरहेनियस ने बता दिया कि पानी में कोई भी सॉल्यूशन सब्सटेंस को आप डालें और वो डिसोसिएट हो जाए तो एक एसिड कहलाएगा एक बेस कहलाएगा। उस केस में क्या करेंगे भाई, जिस केस के अंदर ना तो पानी है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर किसी सब्सटेंस को एथेनॉल में डाल दिया, किसी सब्सटेंस को मैंने एथेनॉल में डाल दिया तो फिर क्या होगा, किसी सब्सटेंस को मैंने किसी ऑर्गेनिक एसिड में डाल दिया तो फिर क्या होगा। तो यहां पे अरहेनियस फेल्ड नहीं, एक्चुअली अरहेनियस की ये लिमिटेशन थी कि उसने एक्वस सॉल्यूशन का तो बता दिया कि पानी के अंदर जब कोई भी सब्सटेंस डाले वो डिसोसिएट हो जाए, H पॉजिटिव में तो एसिड कहलाएगी, OH नेगेटिव बन जाए तो बेस कहलाएगी। लेकिन नॉन एक्वस के बारे में अरहेनियस डिडंट टोल्ड अस, उसने हमें एक्वस का बताया लेकिन नॉन एक्वस का नहीं बताया। तो पहली लिमिटेशन जो है वो ये है कि द कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्वस सॉल्यूशंस बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये पहला लिमिटेशन थी अरहेनियस की। दूसरी लिमिटेशन क्या थी, अब हर अरहेनियस कहता था कि एसिड वो है जो H पॉजिटिव आयन देगा, बेस वो है जो OH नेगेटिव आयन देगा, यानी कि उन आयंस के अंदर हाइड्रोजन और OH का होना जरूरी था तो वो देंगे ना, आपके अंदर अच्छाई होगी तो आप अच्छाई दोगे ना, इशफाक अहमद साहब से, ठीक है, जो आपके अंदर है वो ही आप दूसरे को दोगे, बुराई है तो बुराई दोगे, अच्छाई है तो अच्छाई ही दोगे।
तो फिर आरहेनियस के मुताबिक तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर किसी एसिड एच पॉजिटिव आयन डिसोसिएट कर रहा है तो उसके पास एच पॉजिटिव था तो वो एच पॉजिटिव दे रहा है ना, और बेस अगर डिसोसिएट करके ओ एच नेगेटिव दे रहा है तो उसके पास बेस थी। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जाम्पल अगर देखें, एन ए ओ एच, इसके पास सोडियम भी है और हाइड्रोक्साइड भी है, और जब मैंने इसको पानी में डाला तो ये डिसोसिएट होकर सोडियम अलहदा हो गया और ओ एच अलहदा हो गया, यानी कि इसके पास पहले से था तो वो अलहदा हो गया। उस केस में क्या करेंगे भैया कि जब किसी ऐसे केस में कार्बन डाइऑक्साइड अगर है सी ओ टू, सी ओ टू में ना एच है ना ओ एच है, तो फिर आरहेनियस साहब की कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा? फिर उस केस में क्या करेंगे, अमोनिया एन एच थ्री, कैसे पता चलेगा ये एच देगा कि ओ एच देगा? तो यहाँ पे आरहेनियस का दूसरा कॉन्सेप्ट भी जो है लिमिटाइज हो जाता है, उसकी लिमिटेड जो है एप्लीकेशन रह जाती है। आरहेनियस ने अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस रेस्पेक्टिवली, इट कैंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है, तो हमें बाद में पता चला, आगे चल के देखेंगे। लेकिन कार्बन आरहेनियस के अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर हम रहते तो हमें ना पता चलता कि एसिड क्या है और बेस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस के साथ। ओके सो ये दो लिमिटेशंस थी, बिल्कुल बिल्कुल ये दो लिमिटेशंस थी हमारे पास आरहेनियस के कॉन्सेप्ट की, क्योंकि उसने सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड के रेफरेंस से बात की। यहां तक समझ आता है कॉन्सेप्ट बच्चों? शाबाश, जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आते हैं जी तकरीबन एक सदी के बाद 1787 के बाद, आपको क्या लगता है इसके बाद काम नहीं हुआ होगा एसिड बेस के ऊपर? हुआ होगा, लेकिन मुख्तलिफ लोगों ने काम किया होता है, वो अपना अपने जो है थियोरीज अपने आइडियाज शेयर करते हैं, फिर एक कमेटी बैठती है जिसको रॉयल सोसाइटी कहा जाता है इंग्लैंड में, जैसे कि है IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट इज देयर, तो दे चेक इट, उसको उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, उसको पास किया जाता है या फेल किया जाता है, काम हुआ। लेकिन 1787 के बाद एक लंबा गैप आ गया, उसके बाद 1923 के अंदर ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट आता है। अ डैनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड द इंग्लिश केमिस्ट लॉरी इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड देयर थ्योरीज, इंडिपेंडेंट का मतलब इनका कोलैबोरेशन नहीं था, इन्होंने अलग अलग, ब्रॉन्स्टेड साहब ने अलग, लॉरी ने अलग जो थी अपनी थ्योरी को पेश किया एसिड और बेस के ऊपर। अब इसकी बेसिस क्या थी? आरहेनियस की बेस थी हाइड्रोजन और OH। ब्रॉन्स्टेड लॉरी को देखते हैं, बेस थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, और स्पेसिफिक कर दिया, प्रोटॉन तो जी बच्चों मेरी आवाज आ रही है अब आप लोगों को? यस सर, पर पहले आप बहुत ज्यादा वो आ रही थी, लैग हो गया। एक्चुअली देयर वाज आई गॉट डिसकनेक्टेड, ओके सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन अगेन, जल्दी से हम जो है कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं बिफोर वी वाइंड अप द क्लास। ओके परफेक्ट, सो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है इज अ सब्सटेंस, हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, एसिड क्या सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है, तो फिर अगर एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है तो बेस क्या होगी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। देखिए ये
ये स्टेप वाइज मैकेनिज्म जरा सीखिए. केमिस्ट्री इज वंडरफुल इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक फ्रेमवर्क. आर्हिनियस कहता था एच पॉजिटिव डिसोसिएट करते तो एसिड है, और बेस क्या है, OH पॉजिटिव, OH नेगेटिव डिसोसिएट करता है तो बेस है. अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कहता है, एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन प्रोटॉन डोनेट करता है, तो बेस क्या है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है. ठीक है, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट था. जैसे कि HCl और NH3 की अगर आप एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज देयर एंड अमोनिया इज देयर. तो अमोनिया ने H पॉजिटिव इसने डोनेट किया, ये देखें H पॉजिटिव, पहले अमोनिया के पास तीन हाइड्रोजन थे, अब कितने हो गए, चार हाइड्रोजन हो गए, यानी कि अमोनिया ने एक्सेप्ट किया है, अमोनिया हैज एक्सेप्टेड अ प्रोटॉन. सो दिस मींस अमोनिया इज अ बेस, बिकॉज अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस. तो NH3 से वो NH4 हो गया, इसका मतलब ये वो अमोनिया जो है वो बेस है. ठीक है बेटा, अमोनिया क्या है, वो एक बेस है. ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कहता है कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट ये है, इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी थ्योरीज पेश की थी. ब्रॉन्स्टेड लॉरी सेज कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, जो अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है. तो फिर बेस क्या होगी, ये तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बात बन जानी चाहिए कि बेस क्या है, बेस वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन trouble with the internet.